नमस्कार, योग निरोग में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी को जिसका नाम बहुत छोटा है, दस्त, डायरिया, लेकिन आजकल की बीमारी है, गर्मियों की बीमारी है। बच्चों के लिए को बहुत सावधानी से केयर करने की ज़रूरत होती है। ऐसे समय में अस्पताल पट जाते हैं कई बार इस बीमारी से, परंतु अगर थोड़ी सी सावधानी रखें तो आप अपने आप में, अपने बच्चों को, अपने परिजनों को पूरी तरह से स्वस्थ रख सकते हैं, दुरुस्त रख सकते हैं योग मार्ग पर चलते हुए। तो योग क्या कहता है इस सब को लेकर के आइए देखते हैं आज का योग निरोग। डायरिया से कैसे दूर रहें, कैसे उससे मुक्ति पाएं, अगर हो जाए तो किस तरह से निपटें, इन सब चीज़ों को समझाने के लिए हमारे साथ देशराज जी हैं। देशराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देशराज जी भारतीय योग संस्थान के महामंत्री भी हैं। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो डायरिया है ये होता क्यों है, उसके बाद उसके लक्षण पर अगर हम बात करें तो। श्रेष्ठ जी, दस्त का रोग अतिरेक पित्त का दोष है। शरीर के अंदर जब पित्त की वृद्धि हो जाती है तो हमारी आंतों में एक विशेष प्रकार की गर्मी बनती है। जब गर्मी बनती है तो आंतें उत्तेजित होकर के जब पित्त रस ज़्यादा बनाएंगी, वहाँ पर छूटेगा तो वह दस्त में बन जाए। बार बार रोगी को फिर मल निष्कासन के लिए जाना पड़ता है, जो कि पतला, बदबूदार और भिन्न भिन्न रंगों का आता है दर्द के साथ, जिसे हम दस्त का रोग कहते हैं। कई बार लापरवाही कर दी जाए या छोटे बच्चे खास तौर पे, तो अगर उनके प्रति लापरवाही बरती जाए तो वो मृत्यु का भी शिकार बन जाते हैं जरा सी लापरवाही के कारण। तो खास तौर पे जैसे आपने कहा कि गर्मी के मौसम में यह रोग अधिक आने की संभावना बनी रहती है। क्या लक्षण होते हैं मोटे मोटे? हाँ, इसमें अगर मोटे, ताकि हम बहुत जल्दी से उसको पकड़ लें और पहचानें। हाँ, और इसमें तुरंत इसमें हमारे को सबसे बड़ी देखिए कि जब बार बार जाएगा ये भिन्न भिन्न रंग का, हरे रंग का, कभी पीले रंग का, कभी लाल रंग का, कभी सफेद रंग का दस्त जाएगा, और आपको बार बार मल निष्कासन के लिए जाना पड़ेगा। पेट में ऐंठन होगी आपकी, दर्द होगा, पिंडलियों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, शरीर कमजोर होना शुरू हो जाएगा, आपका बीपी नीचे आना शुरू हो जाएगा, बॉडी डिहाइड्रेशन की तरफ बढ़ जाएगी। मुख्य इसके ये लक्षण सामने आते हैं। ऐसा होता क्यों है? होता क्यों है, ये खास बात विशेष ध्यान रखना है कि गर्मी के मौसम में आप देखेंगे कि मक्खियां बहुत होती हैं, और कई बार वह भोजन जिसके ऊपर बहुत कटा हुआ, जैसे मान लिया कहीं सलाद रखा हुआ है या कोई मिठाई रखी हुई है या कोई भोजन रखा है और उस पर बहुत देर तक मक्खियां घूम रही हैं और हमने उस भोजन को खा लिया, तो हमारे को ये रोग हो सकता है। आप बहुत देर तक धूप में घूम रहे हैं तो भी आपको गर्मी लगने से भी ये हो सकता है। दूषित जल ले लिया आपने तो भी ऐसा हो सकता है। बिना धुली हुई सब्जियों का सेवन कर लिया आपने तो भी ये हो सकता है। कोई तेज औषधि का सेवन आपने कर लिया तो भी यह हो सकता है। ऐसे कई बार छोटे बच्चों के थोड़े कारण दूसरे होते हैं। आपने देखा हो कई बार छोटे बच्चे दांत निकालते हैं तो भी उनको दस्त लग जाते हैं। छोटे बच्चों पर यह भी होता है कि माँ ने गलत चीज खाई तो उसका ब्रेस्ट फीडिंग की तो बच्चे को दस्त लग गई, क्योंकि वो उसके भोजन से बच्चा प्रभावित हो रहा है, वो एक अलग बात हो जाती है। बिल्कुल। तो हम जो हैं अब कुल मिलाकर आसनों के जरिए, योग के जरिए कैसे हम उसको समझें? इसमें एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि जब दस्त बहुत अधिक मात्रा में लग जाते हैं तो बॉडी डिहाइड्रेट होने की वजह से कमजोरी की तरफ बढ़ जाती है, तो उस समय शरीर की स्थिति यह भी नहीं होती कि वो आसन करे। लेकिन आसनों का जो मतलब हम समाज में समझे बैठे हैं वो भी थोड़ा, उसका भी आज भ्रम मैं खत्म करना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए, कि आसन ऐसे नहीं होते जो शरीर को ज़्यादा ताकत लगाने की जरूरत होती है। कुछ आसन ऐसे भी होते हैं जिनमें ताकत नहीं लगती बल्कि ताकत पैदा होती है उस आसन में जाने से। तो इसलिए जब शरीर में कमजोरी आ गई तो हमें ऐसे साधारण और सिंपल आसनों का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए ताकि ताकत वापस आए, ताकि हमारी खोई हुई शक्ति वापस आए। जैसे जैसे खोई हुई शक्ति वापस आएगी तो फिर उस रोगी को सरल आसनों की तरफ बढ़ना चाहिए, जब और ज्यादा ठीक हो जाए तो फिर वो माध्यम और अग्रिम आसनों की तरफ बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब दस्त यानी डायरिया की वजह से शरीर अपने आप में ही बेहद कमजोर होता जा रहा है, ऐसे में भी अगर आसन करने ही हैं तो कौन से आसन करें? जाहिर तौर पर सरल आसन, सरल आसन,
ऐसे सरल आसन कौन कौन से हैं आज करके दिखाएंगे शिक्षक और कराएंगे देशराज जी। सबसे पहले हम गरुड़ आसन का अभ्यास करेंगे। हमारे शिक्षक अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे गरुड़ आसन के लिए। गरुड़ आसन का यह एक विशेष ध्यान रखना है कि जिनके घुटनों में दर्द की शिकायत है वो इस आसन को ना करें। जिनसे यह आसन नहीं लगता तो वो दूसरे पैर को भी जमीन से छू सकते हैं शुरू में, बाद में जब संतुलन बने तब उसका अभ्यास किया जा सकता है। गरुड़ आसन के लिए पहले हम दाईं टांग को बाईं टांग के ऊपर लपेटेंगे। लपेटना शुरू कीजिए और उसी प्रकार से दाईं भुजा को बाईं भुजा के ऊपर लपेटेंगे, अपने सामने लाते हुए 90 डिग्री पर मोड़ करके कोहनी के पास से, और पेड़ों वाले भाग को हल्का सा नीचे की तरफ झुका देंगे और कुछ देर इसमें सामान्य श्वास करके रुकेंगे और बहुत धीरे धीरे वापिस आए। यही आसन विपरीत दिशा से हमारे शिक्षक करके दिखाएंगे। अब बाईं टांग को लपेटेंगे दाईं टांग के ऊपर, बाईं भुजा को दाईं भुजा के ऊपर लपेटेंगे बिल्कुल ठीक सामने लाते हुए, नमस्कार की मुद्रा ला करके और पेड़ वाले भाग से हल्का सा नीचे की ओर झुकेंगे। मूलबंध जरूर लगाएं, इसमें डायरिया के रोगी के लिए मूलबंध बहुत लाभकारी है, स्वतः ही लग जाता है जब हम पेड़ों वाले भाग को नीचे की तरफ झुकाते हैं, लेकिन एकाग्रता के साथ करेंगे तो ज्यादा प्रभावकारी होगा और बहुत धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। बैठ करके विश्राम करेंगे। इसी प्रकार से बहुत सिंपल आसन अपने साधकों को हमारे शिक्षक करके दिखाएंगे, एक सिद्ध आसन। सिद्ध आसन के लिए दोनों एड़ी पंजे सामने मिला लें, पंजे तान दें, दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। जिनको घुटनों में दर्द रहता है वो सिद्ध आसन का अभ्यास शुरू में ना करें। जिनको खास तौर पे कार्टिलेज डैमेज हो गए वो इस बात का ध्यान करेंगे। इसमें बाईं टांग को मोड़ें और शिवनी नाड़ी से स्पर्श करा दें, दाईं टांग को उसके ऊपर लेकर के जाएं, एड़ी को उपस्थ अंग के मूल में ऊपर की तरफ रखें, दोनों पंजे दोनों पिंडलियों के मध्य आ जाएंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, आंखें बंद कर लें, श्वास सामान्य करें और अपनी छोटी और बड़ी आंतों के ऊपर मन को एकाग्र करके बैठें। हमारी विशेष एक नाड़ी नीचे पाई जाती है जो कुहू नाड़ी कहलाती है, और शिवनी नाड़ी और वारुणी नाड़ी, ये तीन नाड़ी हमारे नीचे निष्कासन अंगों के पास स्थित होती हैं। वह तीनों ही नाड़ियां इस आसन में देर तक बैठने से प्रभाव में आती हैं और वो तीनों जब सक्रिय होती हैं तो हमारे निष्कासन प्रक्रिया से संबंधित जो रोग हैं वह स्वतः ठीक होने लगते हैं। बहुत धीरे धीरे वापिस आए साधक इस आसन को, दूसरे वापिस आ जाएं, टांगे खोल आगे की तरफ ले लें, विश्राम की स्थिति में बैठें। जब यहां हम जैसे पहले हमने यहां पर एक टांग मोड़ी दूसरी उसके ऊपर रखी, तो इसकी विपरीत दिशा से भी साधक बाद में अभ्यास कर सकते हैं। इसी तरह से एक सशक आसन का अभ्यास है जो जिसकी गिनती सरल आसनों में होती है, हमारे शिक्षक करके दिखाएंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों हथेलियां दाईं ओर रख दें, बाईं ओर से टांगे मोड़ें और वज्रासन में आकर के बैठें। ये जितने भी आसन आ रहे हैं सभी आसन संयोग से अभी तक वो हैं जिनमें घुटने के दर्द के रोगी को नहीं करने। यह आसन भी देखिए इसमें घुटनों के ऊपर स्ट्रेन है तो उनको नहीं करना, बाकी सभी इस आसन को कर सकते हैं और बहुत बढ़िया आसन है ये दस्त के रोगियों के लिए। दोनों बाजुओं को धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाएं, तांदे बाजू ऊपर की ओर लेकर के जाएं, कानों के साथ सटा दें, श्वास भर करके धड़ वाले भाग को ऊपर की ओर खींचें, श्वास बाहर निकालते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकना प्रारंभ करें, अंत में माथा धरती पर लग जाए और बाजू को थोड़ा रिलैक्स कर दें, कोहनियां पीछे की तरफ लेते हुए कमर की रीढ़ भी रिलैक्स हो जाए और फिर उसी प्रकार से अपने नर्वस सिस्टम को इतना रिलैक्स कर दें कि शरीर के अंदर दस्तों की वजह से जो कमजोरी आती है
उसे आप वापस शरीर में शक्ति के रूप में ग्रहण करते हुए अनुभव करें। दोनों बाजुओं को आगे की ओर ताने, कानों के साथ सटा दें, कमर वाले भाग को सीधा करते हुए धीरे धीरे वापस आएं। अंत में पूरा श्वास भर करके धड़ से और बाजुओं से शरीर को ऊपर की ओर ताने, पश्चात साइड से दोनों बाजुओं को ले लें। यहीं से पेट के बल जाएं, माथा धरती पर, दोनों बाजू शरीर के साथ। बहुत सिंपल आसन ये करवाए जा रहे हैं जो कि दस्त के रोगियों के लिए बहुत लाभकारी हैं। उनकी जो शक्ति क्षीण हो जाती है इन आसनों के माध्यम से, वह इस शक्ति को, इस ऊर्जा को दोबारा से रीगेन करते हैं। दायां कान धरती पर रखें, दाएं टांग दाएं भुजा सीधी, बाएं टांग को मोड़ें, पैर के तलवे को दाएं अंगूठे के पास ले आएं, बाएं भुजा को मोड़ दें। कंधे से और कोहनी तक बिल्कुल सीधी होगी भुजा, कोहनी के पास से ठीक 90 डिग्री पर मुड़ करके हथेली आपकी नासिका के ठीक सामने आ जाएगी। इसे दाई ओर शिथिल आसन कहा जाता है। बायां स्वर चलने से शरीर को शीतलता मिलती है, जो पित्त की प्रधानता शरीर के भीतर हुई है वह शांत होगी, जिससे कि रोगी अपने आप को अच्छा महसूस करेगा। आप पाएंगे कि छोटा बच्चा स्वतः ही इस पोज के अंदर बिना किसी के सिखाए सोता है, शिथिल आसन में। छोटा बच्चा बाल्यावस्था में ठीक वापिस आए इसी प्रकार जैसे गए थे। माथा धरती पर, दोनों टांगें सीधी, बाजू शरीर के साथ, बायां कान धरती पर, बायां कान धरती पर लगा दें, बाई टांग बाई भुजा सीधी, दाई टांग को मोड़ दें, तलवा बाएं घुटने के पास, बाई भुजा को मोड़ें, कंधे से और कोहनी तक बिल्कुल भुजा सीधी, कोहनी से और हथेली तक भुजा 90 डिग्री पर मुड़ी हुई। यहां पर दायां स्वर चलने से जो बीपी लो आ जाता है, उस बीपी को सामान्य करने में यह पोज बहुत लाभकारी है। इससे बीपी फिर सामान्य होगा और रोगी बहुत जल्दी रोग से बाहर आने लगेगा। लगभग 4 से 5 मिनट दाई ओर, 4 से 5 मिनट बाई ओर, सुबह शाम अगर दस्त का रोगी इस आसन को लगाएगा तो वह खोई हुई शक्ति को दोबारा पाएगा। दोनों एड़ी पंजे मिलाएं, करवट लें, उठ बैठें और बैठने की स्थिति में विश्राम कर लें। बिल्कुल, तो ऐसे आसन जो आपको बिल्कुल पूरी तरह से सरलता सहजता की ओर ले जाते हैं और आपको स्वस्थ करते हैं, खासतौर पर आपका जो पेट है, आते हैं उनको बहुत हलचल हो उनके अंदर, ऐसा ना करके उनकी जो पकड़ है वो और ज़्यादा मजबूत हो, वैसा उन्हें बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम प्राणायाम के बारे में भी कुछ चर्चा करें। यह रोग एक ऐसा है सुरेश जी, इसमें शरीर के अंदर कमजोरी आ जाती है, क्योंकि काफ़ी मात्रा में पानी शरीर से निकलने के बाद बॉडी डिहाइड्रेशन की तरफ बढ़ जाती है, बीपी लो हो जाता है। इसलिए हमें ऐसे प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए ताकि दोबारा से हम अपनी शरीर के अंदर बढ़ती हुई ऊर्जा को महसूस कर पाएं। इसके लिए बहुत से प्राणायाम हैं और सभी प्राणायाम लाभकारी हैं। बस हम यहाँ पर केवल दो प्राणायाम हमारे शिक्षक करके दिखाएंगे, एक अनुलोम विलोम प्राणायाम और एक अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम। बिल्कुल, तो जिस तरह का मौसम है, खासतौर पर बहुत लोगों को उस तरह की समस्या बनती है, जो पित्त है वो ज़्यादा बनना स्वाभाविक तौर पर ज़्यादा होता है, ऐसे में कौन कौन से प्राणायाम इस मौसम में करना और भी अच्छा है, आइए देखते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दाएं टांग को मोड़ें, एड़ी को बाईं ओर पेड़ों में स्थित कर दें, बाईं टांग को मोड़ें, एड़ी को दाईं ओर पेड़ों में स्थित कर दें, दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें, कमर रीढ़ सीधी करें, दाएं हाथ से हमारे दर्शकों को हमारे शिक्षक क्रमानुसार प्राणायाम मुद्रा सिखाएंगे। दाएं हाथ साइड पर ले आएं, प्राणायाम मुद्रा मेरी आवाज के साथ बना करके दिखाना है। आप सीधा कीजिए, पहले हाथ को सीधा कीजिए, उंगलियों को भी सीधा कर लीजिए। अब दाएं हाथ की पहली दो उंगलियों को मोड़ करके अंगूठे की गद्दी पर रखिए, दोनों उंगलियों को आपस में मिलाइए,
अंगूठे और उंगली को दाईं और बाईं नासिका के साथ स्पर्श करा दीजिए। अब बाईं ओर से आप अनामिका को हटाएं, श्वास को भरें, बाईं नासिका बंद कर दें, अंगूठा हटाएं, श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें, दाईं ओर से श्वास को भरें, दाईं नासिका बंद करें, अनामिका को हटा दें, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें, बाईं ओर से श्वास को भरें, बाईं नासिका बंद कर दें, अंगूठा हटाएं, दाईं ओर से श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। दाईं ओर से श्वास को भरें, दाईं नासिका बंद कर दें, बाईं ओर श्वास को उसी प्रकार से अनामिका को हटाते हुए बाहर निकाल दें। आवृत्ति पूरी करते हुए धीरे धीरे हाथ को नीचे ले आएं। ज्ञान मुद्रा की स्थिति में मानसिक अवलोकन करें अपनी स्थिति का। इसी तरह हमारे दर्शक अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम को समझेंगे। मूलबंध लगाएं, कमर सीधा कर लें, आंखें बंद करें। अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम किसी भी हृदय रोगी को और अस्थमा रोगी को नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान दें। बहुत धीरे धीरे श्वास को पूरा बाहर निकालें। अब श्वास को पूरा भीतर भरें, श्वास को सामान्य कर लें। अब टुकड़ों में श्वास को भरा जाएगा और टुकड़ों में श्वास को पूरा बाहर निकाला जाएगा। पूरा श्वास पहले एक बार बाहर निकालिए, पश्चात हल्का सा श्वास को भरिए, निकालना नहीं है, रुकें, फिर हल्का सा भरें, रुकें, फिर हल्का सा भरें और रुकें। अब पूरा श्वास कंठ तक भर लीजिए, तीनों बंद लगाइए। बंधों को खोलते हुए पहले थोड़ा सा श्वास निकालिए, रुकिए, फिर थोड़ा सा और श्वास को निकालिए, रुकिए, फिर थोड़ा सा श्वास को बाहर निकालिए, रुकिए। अब पूरा श्वास बाहर निकाल दीजिए और नाभि को अंदर की ओर संकोचन कीजिए। जालंधर बंद भी लगा दीजिए। तीनों बंद लग गए, मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद। कर्मानुसार श्वास को सामान्य कर ले बंधों को खोलते हुए। बिल्कुल बिल्कुल जी। थोड़ा समय की कमी है ऐसा लग रहा है। हाँ जी। अगले क्या एक मिनट आधा मिनट में कुछ भोजन हाँ, और कुछ बाकी सुझाव पर आपका हम इसमें मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जिसको ये प्रॉब्लम है वो एक तो पानी को उबाल लें, उबाल के ठंडा कर लें, उसका सेवन करें। जो मूंग की दाल की खिचड़ी बनाए उसको दही के साथ लें। गर्मी के मौसम में सुबह दोपहर शाम तीनों समय खाई जा सकती है दही। सर्दी के मौसम में आपको जब ये प्रॉब्लम हो तो केवल दोपहर को लें, तो शाम को ना लें तो ज्यादा बढ़िया होगा। बाकी कुछ सजेशंस? सजेशन आराम की आवश्यकता इसमें ज्यादा होती है। और पानी का सेवन बढ़ा दें, नींबू पानी अधिक मात्रा में लें, उसमें थोड़ा सा नमक और चीनी भी मिला लें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने डायरिया पर जिस तरह से अपना नजरिया रखा। यहाँ पर अगर आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है, तो आप भी अपना सवाल हमें दे सकते हैं। हमारा पता है योग निरोग, लोकसभा टेलीविजन, FB 116, पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग, पार्लियामेंट हाउस, नई दिल्ली 110001। हमारा ईमेल पता है yognirog.lstv@gmail.com। तो यहाँ पर आप इस बात को तो समझते ही हैं कि जो डायरिया से बचने के सामान्य नुस्खे हैं, उपाय हैं, उन्हें आजमाना, उन्हें करना ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये समझना साथ में ज़रूरी है कि हर मौसम का अपना भोजन होता है, गर्मियों का भी अपना भोजन होता है, उस भोजन को समझें, वैसा ही करें। और साथ में आप स्वच्छता अभियान को जारी रखें, वो भी इसमें बहुत कारगर साबित होता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे योग निरोग में। नमस्कार।